कान है और कान की लो जिसको कहते हैं यहाँ पर, इसको आप बाएं हाथ के यहाँ पर रखें, जब नीचे रखेंगे तो यहाँ रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं आप लोगों को नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीका प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, यानी कि पढ़कर दिखाऊंगा, क्योंकि अक्सर बेशतर लोगों को मैं देखता हूँ कि सही से रुकू नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे लोग सही से सजदा नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे लोग तशहुद में बैठते हैं तो किस तरीके से उंगली उठानी चाहिए, किस तरीके से सलाम फेरने चाहिए, बहुत सारे लोगों को नहीं आता है। तो आज मैं आप लोगों को एक एक करके मैं दिखाऊंगा कि किस चीज़ को किस तरीके से आप करेंगे और कौन से सूरह, कौन से तस्बीहात कहाँ पर पढ़नी है और किस तरीके से पढ़ने हैं, सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले देखिए आप करेंगे क्या कि जिस नमाज को आप पढ़ेंगे उस नमाज की नीयत करें। नीयत कहते हैं दिल के पुख्ता इरादे को। अगर आपको नीयत याद हो अरबी में या उर्दू में तो आप पढ़ लेंगे, और अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप दिल में इरादा कर लेंगे कि मैं फजर की नमाज़ पढ़ रहा हूँ या फिर जोहर की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, जो नमाज आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप खड़े होंगे तो खड़े किस तरीके से होंगे, आपके पाँव किस तरीके से रहने चाहिए, ये आप देखें कि ये दोनों पाँव है तो ये दोनों पाँव के दरमियान बीच में जो फासला होना चाहिए या आपका चार अंगुल इस तरीके से, यानी कि आपको मैं एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, इस तरीके से चार अंगुल आप जब रखेंगे तो हट जाएंगे, इस तरीके से आप खड़े होंगे और पीछे भी इसी तरीके से, ये आपका पाँव रहेगा खड़ा होने का, ये तरीका है, ठीक है। उसके बाद आप नियत करेंगे, यानी कि आप तकबीर तहरीमा जिसको कहते हैं कि आप हाथ उठाएंगे कानों की लो तक, ये कान है और कान की लो जिसको कहते हैं इसको कान की लो कहते हैं, और ये जो उंगली है इसको आप इस तरीके से सटाएंगे यहाँ पर, और ये जो हथेली है ये दोनों हाथ की हथेली बिल्कुल तबिला रू होनी चाहिए इस तरीके से, और इस तरीके से आप कान की लो में सटा देंगे इस तरीके से, अल्लाहु अकबर इस तरीके से। जब हाथ बांधेंगे तो हाथ बांधने का जो तरीका है इसको आप देखें कि हाथ किस तरीके से बांधेंगे, ये आपका दायां हाथ है ये बायां हाथ है, तो ये जो दायां हाथ की जो ये हथेली यहाँ पर, इसको आप बाएं हाथ के यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से, और ये इस तरीके से, मैं आपको सही से आप दिखाता हूँ एक सेकंड रुके, इस तरह यहाँ पर आप हथेली रखेंगे और इस तरीके से ये तीनों उंगलियाँ ऊपर रहेंगी और ये दोनों उंगलियाँ इस तरीके से आप बांध लेंगे, ठीक है, और कहाँ रखेंगे, नाफ के नीचे रखेंगे, यहाँ पर नाफ है और यहाँ पर आप रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी जो निगाह होगी तो आपकी निगाह कहाँ होगी, यानी कि आप देखेंगे कहाँ, आप देखेंगे जहाँ पर आप सजदा करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर सजदा करूँगा तो यहाँ पर आपकी निगाह होनी चाहिए, यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, समझ में आ रही बात आपको, इस तरीके से हाथ बांधना है और वहाँ पर आपको निगाह रखनी है। उसके बाद आपको सबसे पहले सना पढ़ना है, सना जो पढ़ते हैं सुभान का अल्लाहुम्मा व बिहमदिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैर, ये सना पढ़ लेंगे। उसके बाद तऊजु तस्मिया यानी कि औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे। उसके बाद आप सूरह फातिहा मुकम्मल पढ़ेंगे जो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उसके बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे, उसके बाद कोई भी एक सूरह आप पढ़ेंगे, सूरह आप पढ़ लें, उसके बाद आप रुकू में जाएंगे। तो रुकू में कैसे जाएंगे, तो अल्लाहु अकबर जब बोलेंगे तो ये दोनों हाथ इस तरीके से छोड़ देंगे, और छोड़ने के बाद जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ करके इस तरीके से अल्लाहु अकबर इस तरीके से। रुकू करने का जो तरीका यहाँ पर आप सही से देखें, ये सबसे पहले आप ये देखें कि ये दोनों हाथ की हथेली किस तरीके से रहनी चाहिए, ये आपका घुटना है यहाँ पर आप रखेंगे इस तरीके से पूरा सीधा करके, और ये तीनों उंगलियाँ जो है ये आगे की तरफ रहेंगी और ये दोनों उंगलियाँ ये इस तरीके से रहेंगी, और इसको ज़ोर से पकड़ना है। और दूसरी बात ये है कि आपका सर जो है, बहुत सारे लोग ऐसे रखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे रखते हैं और अपने हाथ को सारे लोग इस तरीके से रखते हैं, तो इस तरीके से नहीं करना है बल्कि आपको इस तरीके से करना है और बिल्कुल इस तरीके से जोर देना है आपको, और ये सर और पीठ बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, ये सर आपका ना ऊंचा होना चाहिए और ना ही नीचा होना चाहिए, बिल्कुल बराबर के तरफ आप रखेंगे, बिल्कुल बराबर रखेंगे, और ये जो हाथ है इस तरीके से। उसके बाद आप सुभान रब्बियल अज़ीम तीन मरतबा पढ़ेंगे, और रुकू में जो आपकी निगाह होगी यानी कि आप जो देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, ये दोनों पाँव के अंगूठे हैं और यहाँ पर आपको देखना है रुकू में, और यहाँ पर जब आप तस्बीह पढ़ लेंगे तीन मरतबा पढ़ेंगे या फिर पांच मरतबा पढ़ेंगे। उसके बाद आपको समिअ अल्लाहु लिमन हमीदा इस तरीके से बोलकर आप खड़े हो जाएंगे, और हाथ को बांधना है, हाथ आपको ऐसे ही खुला रखना है, और अगर आप इमाम के पीछे पढ़ते हैं या आप अगर अकेले पढ़ते हैं तो समिअ अल्लाहु लिमन हमीदा बोलने के बाद रब्बना लकल हम्द बोलेंगे आप, ठीक है, अगर आप अकेले पढ़ते हैं तो समिअ अल्लाहु लिमन हमीदा बोलने के बाद, और अगर आप इमाम के पीछे पढ़ते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ रब्बना लकल हम्द बोलेंगे, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद आप सजदे में जाएंगे,
सजदे में किस तरीके से जाएंगे ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप सही से देखें। सबसे पहले आप सजदे में जब जाएंगे तो अल्लाहु अकबर बोलते हुए जाएंगे, ठीक है, और हाथ यहाँ पर रखेंगे, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। जी यहाँ पर देखिए, यहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, रुको से उठ गया हूँ, खड़ा हूँ, अब अल्लाहु अकबर इस तरीके से यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप फिर से अब रुकू में जा रहे हैं, सजदे में जा रहे हैं, सबसे पहले आप यहाँ पर रखेंगे हाथ, ठीक है। हाथ रखने के बाद सबसे पहले ये घुटना आपका जमीन पर जाएगा, ठीक है, पहले आपको हाथ नहीं रखने, जमीन पर जाएगा, उसके बाद अपना हाथ आप यहाँ रखेंगे, और हाथ जब रखेंगे ये उंगलियाँ जो है दोनों हाथ की, ये ना ज़्यादा फैली होनी चाहिए और ना ही सटी होनी चाहिए, बिल्कुल अपने हाल पर छोड़ दें। आपकी जो नाक होनी चाहिए, यहाँ पर आप देख लें कि ये नाक बिल्कुल ज़मीन पर सट जानी चाहिए, और ये जो पेशानी है, ठीक है, ये पेशानी बिल्कुल ज़मीन पर जम जानी चाहिए। जब आप सजदा करेंगे उस वक्त पेशानी और नाक बिल्कुल, ये जो नरम हड्डी है और ये पेशानी बिल्कुल आपकी ज़मीन पर जम जानी चाहिए, ठीक है। और देखें मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, इस तरीके से दोनों हाथ की हथेली अपने हाल पर, और इस तरीके से आप सजदा करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर एक और गलती करते हैं, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, मैं समझता हूँ कि 100 में 90% गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो जब सजदे में जाते हैं लोग, तो सजदे में जाने के बाद जो पांव जो अपना रखते हैं, तो पांव किस तरीके से रखना चाहिए ये आप देखिए, कि जब लोग सजदे में जाते हैं तो बहुत सारे लोग जो है इस तरीके से रखते हैं, बहुत सारे लोग जो है इस तरीके से रख देते हैं, बहुत सारे लोग जो है इस तरीके से रख देते हैं, तो इस तरीके से नहीं रखना है, बल्कि पांव आपको इस तरीके से रखना है, इस तरीके से दोनों पांव के उंगलियों के पेट जमीन पर लगना, 10 उंगलियों का पेट जमीन पर लगना ये सुन्नत है, और 3-3 उंगलियों के पेट जमीन पर लगना ये वाजिब है। अगर आप नहीं लगाते हैं जानबूझकर तो आपकी नमाज नहीं होगी, तो बेहतर है कि आप सुन्नत अदा करें, 10 उंगलियों के पेट जमीन पर लगा दें। और जब आप बैठेंगे, जब आप बैठेंगे तो बैठने के वक्त जो आप पाँव रखेंगे वो किस तरीके से रखेंगे वो आप देखें, तो इसी तरीके से रखने जिस तरीके से मैंने अभी रखा है। बहुत सारे लोग रखते हैं तो इस तरीके से रखते हैं, और बहुत सारे लोग तो इस तरीके से रख देते हैं, इस तरीके से नहीं रखना, बल्कि आपको बिल्कुल इसी तरीके से रखना है। दूसरा सजदा जब आप करेंगे तो उस वक्त और एक गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, वो पांव जो सटाते हैं जिस तरीके से, वो किस तरीके से सटाते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। सजदे पर लोग ऐसे ही रख देते हैं, इस तरीके से करने से नमाज आपकी नहीं होगी, बल्कि आपको दूसरे सजदे में भी इस तरीके से सटाना होगा, जो मैंने आपको बताया। एक रकात हो गई, दूसरे रकात के लिए आप जो है फिर इस तरीके से उठेंगे, उठने के बाद आप फिर से आप हाथ बांध लेंगे, जो मैंने आपको बताया जिस तरीके से। दूसरे रकात में आप सना नहीं पढ़ेंगे, बल्कि सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, उसके बाद सूरह फातिहा, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर जो सूरह आपको याद हो उसे आप पढ़ेंगे, उसके बाद रुकू और सजदा उसी तरीके से करेंगे जैसा कि मैंने बताया। और जब बिल्कुल मुकम्मल दो रकात हो जाएंगे तो आप जब तशहुद में बैठेंगे तो इस तरीके से तशहुद में बैठेंगे जिस तरीके से मैंने बताया था कि सजदे में उठकर कैसे बैठते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो गलती करते हैं लोग क्या करते हैं वो आप देखें। सबसे पहले तो आपको तशहुद पढ़ना है, तशहुद पढ़ने के बाद जो अशहदु अल्लाह इलाह पढ़ते हैं उस वक्त बहुत सारे लोग उंगलियां इसी तरीके से उठा देते हैं, तो आपको किस तरीके से उठाना आप देख ले, आप इस तरीके से रखेंगे और ये इस तरीके से रखेंगे, और आपको इस तरीके से उठाना अशहदु अल्लाह, कैसे देखें मैं बता रहा हूँ, और इस तरीके से अशहदु अल्लाह इलाह इल्लल्लाह, जब नीचे रखेंगे तो यहाँ रखेंगे इस उंगली के ऊपर, उसके बाद आप दोनों इस तरीके से रखो। अगर 4 रकात वाली नमाज पढ़ रहे हैं तो तशहुद पढ़ने के बाद आप उठ जाएंगे और फिर 2 रकात मुकम्मल करेंगे उसी तरीके से सूरह फातिहा और सूरह मिला करके। और अगर आप 2 ही रकात वाली नमाज पढ़ रहे हैं यानी कि मुकम्मल आप सलाम करना, तो तशहुद पढ़ेंगे और तशहुद पढ़ने के बाद आप दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे, फिर दुआए माशूरा पढ़ेंगे, उसके बाद जब आप सलाम करेंगे तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, इस तरीके से आपकी जो निगाह होनी चाहिए सलाम में यहाँ होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप जमात में पढ़ रहे हैं तो लोगों के रुखसार नज़र आने चाहिए आपको, या फिर आप यहाँ देखेंगे और फिर जब दूसरा सलाम करेंगे तो यहाँ से जैसे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ये पहला ये सलाम है, ठीक है। तो उसके बाद यहीं से शुरू करेंगे आप अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, इस तरीके से बहुत सारे लोग के अब तक क्या है क्या अस्सलामु अलैकुम इस तरीके से करेंगे, तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, बल्कि डायरेक्ट अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह इस तरीके से। और रुकू और सजदे में जो तस्बीह पढ़ी जाती है, जो मैंने बताया
कि रुकू में सुबहान रब्बी अल अज़ीम ये 3 मरतबा या 5 मरतबा पढ़ेंगे, और सजदे में जो तस्बीह पढ़ी जाती है सुबहान रब्बी अल अला ये 3 मरतबा या 5 मरतबा पढ़ेंगे, ये आपकी मर्जी। तो इसी तरीके से मुकम्मल नमाज पढ़ते हैं, और जो तरीक़ा है नमाज पढ़ने का वो यही तरीक़ा है जो जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ के दिखाया कि किस तरीके से नमाज पढ़ते हैं और किस तरीके से सूरह पढ़ा जाता है, किस कहाँ पर आप बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, कैसे रुकू करेंगे, कैसे सजदा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मुकम्मल तरीक़ा आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को आप जितना हो सके लोगों में ज़रूर शेयर करें, सदक़ा जारिया समझ कर करें, इसका सवाब आपको भी मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नमाज पढ़ने का तरीक़ा नहीं आता है और सही से नमाज नहीं होती है लोगों की। तो मेहरबानी करके इस वीडियो को जितना हो सके आप लोगों में ज़रूर शेयर करें, और बाकी अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो आप कमेंट पर ज़रूर बताएं।